वही विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास का हिस्सा अचानक गिर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता रहे हैं, बाल बाल बची है बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महंत परिवार के सदस्य भी बाल बाल बचे हैं। दरअसल ये हादसा एक दीवार गिरने से हुआ है, जहां महंत परिवार के सदस्य बाल बाल बचते नजर आए। तो एक और वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा गिरते गिरते बच गई, जहां पे महंत परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। बाल बाल बचे हैं महंत परिवार के सदस्य। कहा जा रहा है कि दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है, जहां बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा बार बार बची है। तो वही वाराणसी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा बाल बाल बची। दरअसल यह हादसा और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ राजू हमारे संवाददाता फोन लाइन पे मौजूद है। राजू, क्या बताया जा रहा है, किस वजह से यह हादसा हुआ, बाल बाल प्रतिमा गिरने से बची है? देखिए, पूरा ये मामला जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिसमें लगातार जो पुराने भवन है उसको निकाला जा रहा है, वहां से उसके मलबे को निकाला जा रहा है, और एक जो विश्वनाथ कॉरिडोर का काम है वो तेजी से हो रहा है। ऐसे में काम की कुछ गड़बड़ियों की वजह से, मिस्त्री की कुछ गड़बड़ियों की वजह से ये भवन काफी पुराना था, जिसकी वजह से ये गिर पड़ा, जिससे वहां पर किसी तरह की कोई घटना तो नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी अनहोनी चलती नजर आई बाबा विश्वनाथ की कृपा से। जी जी, तो इसमें किसकी लापरवाही नजर आ रही है, क्या एक वजह बताई जा रही है जिस वजह से ये हादसा हुआ है? देखिए, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पुरानी मंदिर का जो ढांचा था वो काफी पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से जो वहाँ काम कर रहे लोग थे वो समझ नहीं पाए कि एकाएक वो रिपेयरिंग करते समय वो नीचे आ गया, और वहाँ पे हालांकि बाबा विश्वनाथ की कृपा रही कि किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिलहाल वो मामला हम लोग कोई भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मामला गर्भगृह रेड जोन के अंतर्गत आता है। यही वजह है कि मीडिया को वहां से दूर रखा गया। जी जी जी, राजू आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि महंत परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चोट या उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस बात को लेकर? हाँ, उनके तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी निर्माण का अगर काम चल रहा है, सुंदरीकरण का काम चल रहा है, तो उसे मानक के हिसाब से करें, उसको जो इंजीनियर है वो खुद मौके पे खड़े होकर काम कराएं, कि ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। जी, श्रद्धालु उस वक्त नहीं थे उधर, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। तो इसको लेकर साधु संतों का कहना है कि जो भी कार्य हो वो मानक के हिसाब से हो, और खुद वहाँ इंजीनियर खड़े होकर काम कराए, ऐसा कहा गया है। जी जी, राजू आपसे जानना चाहेंगे, क्या कार्य चल रहा है और कितने दिनों से कार्य चल रहा है कि इस चीज को लोगों ने ध्यान नहीं दिया और अचानक आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, ये विश्वनाथ कॉरिडोर का जो काम काफी महीनों से चल रहा है, और लगभग मूल स्वरूप में लाने के लिए जो एक मास्टर प्लान तैयार हुआ था विश्वनाथ कॉरिडोर का, उस स्वरूप में लाने के लिए लगातार दिन रात काम हो रहा है, और लोगों का सहयोग भी, जनता का सहयोग भी, अगल बगल जो निवासी हैं उनका भी सहयोग मिला इस काम में, और बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस काम की अगर बड़ाई की बात करें तो बड़ाई खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आते हैं, वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री इस कार्य की प्रशंसा करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। आने वाले समय में जो श्रद्धालुओं को एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि बनारस गलियों का शहर है, जिन गलियों में जाने के बाद ज्यादा जो क्राउड होता था, अब वो नहीं दिखेगा आपको। अब एक सुरक्षित ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से मंदिर में दर्शन कराया जाएगा, इसकी पूरी विकल्प व्यवस्था की जा रही है। जी जी बिल्कुल। तो क्या माना जाए राजू, कब तक ये कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा? 2020 के लास्ट तक ये काम पूरा कर लेने की बात कही गई है विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ से, और इसमें लगातार रात दिन काम किया जा रहा है कि ताकि जो श्रद्धालु हैं वो जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। आने वाले वक्त में शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि, उसमें भी लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उसको लेकर भी व्यापक स्तर पे काम किया जा रहा है कि ताकि जब लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी जी, राजू पर ये जो अभी खबर सामने आ रही है, रंगबरी का जो दरबार है वो गिरा है, इसके साथ साथ किसी और चीज की को क्षति हुई है क्या?
देखिए ये प्राचीन था, प्राचीन चीजों को, प्राचीन धरोहर को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये कहा गया है कि प्राचीन जो धरोहर था वो कहीं ना कहीं क्षति हुई है उसकी, ये चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि किसी की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे पुराने धरोहर हैं जिन्हें देखने दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को हम दिखाना चाहते हैं, वो धरोहर कहीं क्षतिग्रस्त हुआ है। जी जी। और इस हादसे को लेकर महंत परिवार के किसी सदस्य ने कुछ भी कहा? महंत परिवार के लोगों का कहना है कि जो भी काम हो वो मानक के हिसाब से किया जाए, इंजीनियर खुद मौके पर हो, ऐसा ना हो कि विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के समय किसी तरह की कोई घटना हो जाए जिससे वह विश्वनाथ के मंदिर में आने वाले लोग एक हमेशा से एक सवाल खड़ा करें। तो इसको लेकर महंत परिवार की तरफ से कहा गया है कि विशेष ध्यान रखकर मानक के हिसाब से कार्य कराएं। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।